अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर वीडियो के साथ आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एडोब एडिशन वगैरह के लिए कैसे बिल्कुल फ्री के अंदर प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने आपको दो तीन ग्रुप दिखाए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, जैसा कि मैं पिछली वीडियो के अंदर लास्ट के अंदर मैंने बताया था कि अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एडोब एडिशन के अंदर किस तरह से फ्री के अंदर जो प्लगइन हम उसके अंदर डाउनलोड करके उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो एडोब एडिशन के अंदर किस तरह से प्लगइन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो और दूसरा मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटो ट्यून जो है वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर देने वाला हूँ, या तो फिर उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मिले तो फिर आप मुझे जो है मुझे व्हाट्सअप कर दें, या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दें, या कभी बार आप मुझे करें तो मैं वहाँ पर भी आपको नंबर दे दूंगा, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको उसकी लिंक आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दे दूंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एडोब एडिशन के अंदर हम प्लगइन, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ऑटो ट्यून ही प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा और उसको जो है हम एडोब एडिशन के अंदर ले जाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखें कि मैं सबसे पहले यहाँ से एडोब एडिशन को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब एडोब एडिशन जो है यहाँ पर हमारे पास ओपन हो चुका है। इसका कुछ इंटरफेस यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले तो हमने एडोब एडिशन के लिए वो जो प्लगइन है ऑटो ट्यून, हमने उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देखें कि एंट्रास ऑटो ट्यून जो है, इसको मैंने बंडल इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पर यस पर मैं क्लिक कर दूंगा। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने इसको नेक्स्ट कर देना है, दोबारा से नेक्स्ट और दोबारा से नेक्स्ट, और ये यहाँ से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो चुका है। थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे, साथ ही में यहाँ से, और उसके बाद जो है जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो यहाँ से हमने फिनिश पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने फिनिश पर क्लिक कर दिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एडोब एडिशन के अंदर। एडोब एडिशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि पहले नंबर पर आपको फाइल नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो है एडिट, तीसरे नंबर पर यहाँ पर मल्टी ट्रैक, और जो उसके बाद जो है चौथे नंबर पर क्लिप, पाँचवें नंबर पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इफेक्ट। आपने जस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे VST प्लगइन, VST, और उसके बाद जो VST 3, जैसे ही हम यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर आगे कोई भी हमें प्लगइन शो नहीं कर रहे। तो उस लास्ट जो ऑडियो प्लगइन इन मैनेजर, हमने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। तो हमने यहाँ से इसको जो है सेंस फॉर प्लगइन्स, हमने इस पर क्लिक कर देना, तो जो भी हमने प्लगइन इंस्टॉल किए होंगे तो वो यहाँ पर ये इसको सर्च कर यहाँ पर आपको शो कर देगा। अब यहाँ पे देखें कि ये इन सबको हमने यहाँ से इनेबल, ये देखें कि ऑटो ट्यून जो है, ऑटो ट्यून EFX और एंट्रास, ये तमाम जितने भी ऑटो ट्यून हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया तो वो सारे जितने भी इसके अंदर बंडल थे वो सारे यहाँ पर हमें शो कर रहा है। हम इन सबको यहाँ से चेकआउट लगे हुए हैं, ये अनचेक हो तो आपने इनको चेक इन कर देना है, और उसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से हम दोबारा से इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं, और VST 3 प्लगइन, VST 3 के ऊपर जैसे ही हम आ जाते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर कोई भी प्लगइन यहाँ पर शो नहीं कर रहा था, तो अब यहाँ पर देखें कि ऑटो की, और उसके बाद जो एंट्रास, यहाँ पर देखें कि ऑटो ट्यून और आर्टिस्ट, ये बहुत सारे यानी जितने भी इसके अंदर जो बंडल हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम ऑटो ट्यून एडोब एडिशन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।